लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा। बिना पैसे के हम समाज में कैसे रह पाएंगे दीदी? तुम इसे सुकून कहती हो? वो तुमसे अपनी हवस मिटाता है और तुम यहाँ रोती रहती हो। नहीं दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो परेशान चल रहा है। परेशानी? परेशानी समझ के ऐसे जुल्म सहते रहना ये गलत है। वो तुम्हें अपने पैर की जुत्ती समझता है। अगर वो तुमसे प्यार करता होता ना, तो ये ऐसे जानवरों की तरह बिहेव नहीं करता तुम्हारे साथ। और हाँ, मैं जब से आई हूँ मैंने एक चीज नोटिस की है। तुम इतने दिनों में सिर्फ आज नीचे आई थी खाना खाने, क्यों? मैं अपने मर्जी से नीचे नहीं आती हूँ दीदी, और वो कुमार है ना, वो मुझे बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लगता, और मुझे इस हॉस्टल में भी बहुत डर भी लगता है। डर? कैसा डर? रात को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाजें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। चिल्ला रही हो? हाँ दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं, और इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए, और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ दीदी, ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। मैंने तो बहुत बार गुड्डू को यहाँ से जाने के लिए कहा है, लेकिन उससे तो मेरी सारी बातें वहम लगती है। लगता नहीं है, वहम ही है। भाभी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, और हर खूबसूरत लड़की बेवकूफ होती है, जैसे कि आप हैं, क्योंकि समझदार होती हमारे कमरे में और निजी मामले में नहीं घुसती। दोबारा हमारे कमरे में और हमारी जिंदगी में मत घुसिएगा। मेहमान बन के आई है ना, तो थानेदार क्यों बन रही हैं? जा सकती हैं आप। बदतमीजी है, शर्म नहीं आती है तुमको? जब दरवाजा खुला हो और सामने ऐसा सीन चल रहा हो, तो शर्म भी खुले दरवाजे से बाहर चली जाती है। देखा कैसे टॉर्चर करता है उसको। नहाने के बाद लंच करने चलते हैं।